नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने विकास कार्य को जायजा लिया। पीएम ने 18 मिनट तक बाबा केदार के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी और 35 टन वजन वाली प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं अनावरण के बाद पीएम मोदी ने प्रतिमा के पास बैठकर की उपासना की। बता दें कि इस प्रतिमा को मैसूर स्थित मूर्तिकार ने बनाया है। शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ में 130 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत करते हुए जय बाबा केदार किनारे भी लगाए और कहा कि आप सभी आदि गुरु के प्रतिमा की पुनर्स्थापना के साक्षी बने। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक तपस्वी आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहे हैं। मैं सभी संतों को यहीं से प्रणाम करके आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि बाबा केदारनाथ की शरण में जब भी आता हूँ यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूँ। पीएम मोदी ने कहा है कि यहाँ का वातावरण अलग अनुभूति में खींच कर ले जाता है और जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि केदारनाथ की सेवा से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं होता और केदारनाथ का विकास कार्य ईश्वरीय कृपा है। पीएम ने कहा कि बर्फबारी के बीच भी केदारनाथ का काम नहीं रुका। हमें भरोसा था कि केदारनाथ आन बान शान से खड़ा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अभी दो दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन पूरी दुनिया ने देखा। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। पीएम ने कहा उत्तर प्रदेश में भी काशी का कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेजी गति से ही आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करता है। पीएम मोदी ने कहा कि शंकराचार्य ने पवित्र मठों की स्थापना की है, चार धामों की स्थापना की और सब कुछ त्याग कर देश समाज और मानवता के लिए एक सशक्त परंपरा खड़ी की। नांदौर में सांसद रामचंद्र जांगड़े समाज की धर्मशाला का शुभारंभ करने पहुंचे, जहां किसानों ने सांसद रामचंद्र को काली झंडी दिखाई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सांसद रामचंद्र के खिलाफ जमकर किनारेबाजी की। इस बीच भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 48 कोस के धार्मिक स्थलों पर प्रधानमंत्री का संवाद सुनने के लिए कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी, थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा, धर्मनगरी के ऐतिहासिक श्री थानेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम से पहले सांसद नायब सैनी और थानेश्वर विधायक सुभाष सुधा ने धर्मनगरी के ऐतिहासिक श्री थानेश्वर महादेव मंदिर मंचा सिंह सनातों का फूलमाला डालकर आशीर्वाद दिया। भगवान केदारनाथ से ऑनलाइन प्रणाली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंचकूला से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जुड़े, जबकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में महंत वासीपुरी महाराज जी के मार्गदर्शन में संत समाज जुड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अन्नाबाद उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और रेलो नेता अभय चौटाला पर निशाना साधा। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि G23 धड़ेबंदी और दलित अध्यक्षों के साथ हुई खींचतान ने अलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की लुटिया डुबोली। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भाजपा ने अलाहाबाद उपचुनाव में इसलिए अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि उनके संगठन ने दमदार तरीके से चुनाव लड़ा। ओपी धनखड़ ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अभय चौटाला वचन भी नहीं बल्कि बयान भी साबित हुए। हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के बड़वा गांव में देव शिल्पी विश्वकर्मा के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। सिरसा में धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। मिस्त्री वर्ग ने अपने औजारों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की। कलायत के रोहेड़ा गांव में विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान हवन पूजन के साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया।
भिवानी में धूमधाम से विश्वकर्मा दिवस मनाया गया, जहां मिस्त्रियों ने अपने औजारों की पूजा अर्चना की। देशभर में धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया गया। बैन के बावजूद राजधानी दिल्ली समेत सभी शहरों में खूब आतिशबाजी की गई। पूजा करने के बाद लोग सड़कों पर अपनी छतों पर पटाखे चलाते हुए नजर आए। देर रात तक कई शहरों में पटाखों की आवाज से गूंजता रहा। दिवाली की रात को जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा में आतिशबाजी ने प्रदूषण फैलाया, उससे साफ जाहिर होता है कि राजधानी में खुलेआम नहीं पर गुपचुप तरीके से जमकर पटाखे की बिक्री हुई है। दिवाली और देर रात तक खुली आतिशबाजी की वजह से सुबह धुंध और धुएं से सड़कें पटी रही। दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। दिल्ली में कई जगह पर पॉल्यूशन इंडेक्स बेहद गंभीर हालत की चेतावनी दे रहा है। गुरुग्राम में दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी से आसमान पर धुंध की चादर चढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा के 14 जिलों में पटाखों पर बैन के बावजूद अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री की गई। गुरुग्राम में आतिशबाजी के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 पर पहुंच गया, जो काफी खतरनाक स्तर है। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन पटाखों के प्रतिबंध पर नाकामयाब साबित हुआ, जहां जमकर आतिशबाजी की गई, लोगों की आंखों में जलन हो रही थी। फरीदाबाद के सेक्टर 11 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया, जिसके बाद लोगों को परेशानी हो रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 के पार पहुंच गया। सड़कों पर वाहन चालकों को धुंध से परेशान होना पड़ा। दिवाली की वजह से फरीदाबाद के सेक्टर 30 में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया। सड़कों के किनारे धूल को हटाने और पेड़ों पर पानी के छिड़काव के आदेश दिए गए, लेकिन शहर भर में कहीं भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ। भिवानी में जिला प्रशासन पटाखों पर बैन लगाने के में नाकामयाब साबित हुआ है, जहां जमकर के पटाखे छोड़े गए थे। सोनीपत में भी दिवाली की रात जमकर के आतिशबाजी हुई है, जिसकी वजह से आसमान में प्रदूषण फैल गया। आतिशबाजी के बाद भी सोनीपत की आबोहवा खराब हो गई है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। सोनीपत में खुलेआम पटाखे बेचे और खरीदे गए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और जेएनटी के आदेश के लोगों ने धज्जियां उड़ाई है। दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट और जेएनटी के आदेशों के बाद भी लोगों ने पटाखे छोड़े हैं, जिसका असर आसमान में धूल के रूप में दिखाई दिया। इस बार रोहतक में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा पटाखे छोड़े गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन महसूस हो रही है। फतेहाबाद में दीपावली के दिन कोहरे की चादर से ढकी नजर आई। धुंध के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले दीपावली के समय कोहरा नजर नहीं आता, लेकिन इस बार दीपावली के दिन ही कोहरे की शुरुआत हुई और जिससे ठंड भी बढ़ गई है। गुहाना में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। छोटी दिवाली पर देर रात तक आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी के कारण हवा में गुणवत्ता का संतुलन बिगड़ गया। फरीदाबाद में एक परिवार को दीपावली के दिन उस वक्त असली खुशी मिली, जब उनके परिवार की एक मूक बधिर युवती सही सलामत मिल गई, जिसके चलते परिवार की खुशियां दुगनी हो गई। फरीदाबाद की रहने वाली मूक बधिर युवती अपने एक महीने की बच्ची के साथ लगभग एक महीने पहले लापता हो गई थी, लेकिन फरीदाबाद की स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने लापता युवती को परिजनों खोज कर उनके हवाले कर दिया। कुरुक्षेत्र में नंदी गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। कोचले में जमीनी विवाद के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई के परिवार पर फायरिंग कर दी, जिसमें छोटे भाई की पत्नी और एक बेटे की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से आरोपी विक्रम और घर के 4 सदस्य फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। गुरुग्राम के कासन गांव में पूर्व सरपंच के परिवार पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें गोपाल के आधा दर्जन परिजनों को गोली लगी।
वही कातिलाना हमले की वजह से पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। भिवानी के रोहतक गेट स्थित सब्जी मंडी के निकट एक युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अम्बाला छावनी के कबाड़ी बाजार चौक स्थित मोबाइल शॉप पर दीपावली की रात को आग लग गई और दुकान में मोबाइल और अन्य सामान जल करके राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही तीन मंजिला बिल्डिंग जलकर के खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। अम्बाला के गांव धुरखाड़ में देर रात 12 बजे बरगाना के गोदाम में भयंकर आग लग गई और आग का तांडव देखने को मिला। आग इतनी भयंकर थी कि 12 बजे से अभी तक दमकल विभाग की टीमें आग को बुझाने में जुटी हुई है। वहीं आग लगने से गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। जेपी खाद नहीं मिलने की वजह से कैथल के पिहोवा चौक पर किसान आमरण अनशन पर बैठे। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जेपी खाद उपलब्ध कराने की मांग की। कोसले में 3 से 4 बदमाशों ने 2 युवकों पर 6 राउंड फायर किए जिसमें दोनों युवकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भवानीखेड़ा के छोटापुर गांव में बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने युवक की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर 68,000 रुपये ले लिए। युवक की आंखों में मिर्च डालते ही बाइक से युवक गिर पड़ा, जिसके बाद राहगीरों ने उसे मिलकर बस स्टैंड पर ले जाकर एक केमिस्ट शॉप पर प्राथमिक उपचार करवाया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामले दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हंसी पुलिस की तत्परता के कारण शहर में बड़ी गंगबार होने से बचते हैं। दरअसल पुलिस ने 3 बदमाशों को 5 अवैध पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। युवक शहर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। रिमांड के दौरान तीनों ने खुलासा किया कि सुनील सीकर, लालू प्रधान उर्फ शमशेर सिंह, निशान सिंह सोनू के लूट और अन्य मामलों में हिसार जेल में बंद है। सुनील शूटर के दुश्मनी गागू सानी और हेडू सनी के साथ थी। सुनील और निशाना और निशान और लालू और शमशेर ने मिलकर के जेल में गागू सानी और हेडू और सनी सैनी के हत्या करने की योजना बनाई थी। फतेहाबाद के बड़ोपल खराखेड़ी गांव के पास धुंध की वजह से दर्जन भर गाड़ी आपस में टकरा गई। वहीं हादसे में किसी के जान से नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस रास्ते को क्लियर करवाया। हरियाणा महिला हॉकी टीम 6 होनहार खिलाड़ी को निपट में महिला हॉकी खेल ग्राउंड में पहुंची और इनका यहां पर जोरदार स्वागत किया गया। महिला खिलाड़ियों ने झांसी में आयोजित हॉकी इंटर सीनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में हरियाणा को सिल्वर मेडल दिलाया और नाम रोशन किया। इस टीम ने पुडुचेरी को 25-0 से, उत्तराखंड को 6-0 से, क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश को 1-0 से और सेमीफाइनल में पंजाब को 3-0 से हराया। वहां करते कि श्री कृष्ण गौशाला में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 21 लाख रुपये की घोषणा की। वहीं किसानों ने सांसद रामचंद्र जांगड़ा का काले झंडे दिखाकर विरोध किया। किसान बैरिकेड तोड़कर के गौशाला के मुख्य द्वार तक पहुंच गए और गौशाला के दोनों गेटों पर कब्जा कर लिया।
भिवानी में आंगनबाड़ी वर्कर कर्मचारियों ने दिवाली पर भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स विभाग का निजीकरण करके एनजीओ के साथ समझौता करने का विरोध किया। नू में दिवाली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी देखी गई। नू में अधिकतर दुकानदार हिंदू समाज से संबंध रखते हैं, तो काम करने वाले अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की थी। इस बीच हरियाणा सरकार की तरफ से भी वैट कम करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 12 रुपये कम किए गए। गुरुग्राम में पेट्रोल और डीजल के रेट में 12 रुपये की कमी के बाद जब पेट्रोल 95.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.11 रुपये प्रति लीटर हो गया है। देश में कोरोना की लहर बरकरार, एक दिन में सामने आए 12,265 नए मामले। केरल में कोरोना के 7,167 नए मामले, 6,439 मरीजों की रिकवर किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,172 नए मामले, 1,399 मरीज रिकवर। तमिलनाडु में कोरोना के 1,009 नए मामले, 1,183 मरीज रिकवर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 385 नए केस आए सामने, 675 मरीज हुए रिकवर। उड़ीसा में कोरोना के 488 नए मामले आए सामने, 450 मरीज रिकवर। असम में कोरोना के 212 नए मामले, 236 मरीज रिकवर। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 95 नए मामले आए सामने, 80 मरीज हुए रिकवर। मिजोरम में कोरोना के 579 नए मामले आए सामने, 610 मरीज हुए रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 292 नए मामले आए सामने, 345 मरीज हुए रिकवर। फिल्म सूर्यवंशी सिनेमाघरों में आज रिलीज होगी है, और सूर्यवंशी की रिलीज ने लोगों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। दिवाली के मौके पर करीब 2 साल बाद सिनेमा हॉल में कोई बड़ी पिक्चर लगी है। ट्रेंड पंडितों का अनुमान है कि सूर्यवंशी शानदार ओपनिंग करने वाली है।